लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी दरियाए जेलम के एक किनारे पर जन्म लेती है। वो दरियाए जेलम जो हिंदुस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में बह निकलता है, जिसके नीले ठंडे पानी में इस पार एक पंडित आचमन करके सूर्य नमस्कार करता है तो उस पार एक मौलवी नमाज के लिए वजू अदा करता है। कुदरत के बेशुमार नेमतों की तरह ये दरिया का पानी तो इंसान इंसान में फर्क नहीं करता, फिर ये फर्क इंसान के दिलों में क्यों? हिना प्यार के उस पौधे की कहानी है जिसे सींचा सवारा तो किसी एक मुल्क की मिट्टी ने, पर जिसका खुश रंग कोई सरहद महदूद ना कर सकी। जी हुजूर। वो टेंडर्स की फॉर्म भिजवा दिए? जी नहीं, अभी चंद्रबाबू का दस्तखत लेने बाकी है। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का। जीजा जी इतना बड़ा कारोबार इस नालायक के भरोसे छोड़कर खुद सोच से हार गए, और इस पाजी ने सत्यानाश कर दिया पूरे व्यापार का दो ही बरस में। दो बरस में चंद्रबाबू ने कारोबार को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया है। खामोश मट्टू, तीन गुना नहीं 13 गुना। आखिर भांजा किसका है? क्या बात है मामा जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्यों मटू अंकल? खुश नहीं, नाराज हूँ। क्यों? कभी कोई काम वक्त पे करते हो? ये टेंडर फॉर्म कब भिजवाओगे?
आखिरी तारीख निकल जाने के बाद। रिलैक्स मामा जी, रिलैक्स, नो टेंशन, आराम से करते हैं। अभी तो मैंने ये फॉर्म पढ़ा भी नहीं है मामा जी, जल्दी अपसेट हो जाते हैं। लो अब तो मेरा दोस्त कप्तान आ गया, अब तो गपशप होगी। सॉरी पढ़ूंगा बाद में। आइए कप्तान सुरेंद्र साहब। हाय चंदर। बशीरा चाय ले आओ। अरे चाय नहीं भाई, कावा मंगा। भाई कावा ले आओ। और क्या ले भाई तेरा, क्या फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास भाई, फौजी आदमी हो, फौजी आदमी की खातिर करनी चाहिए ना। नमस्ते। नमस्ते बेटे। सुरेंद्र तुम फौजी अफसर? जी सर। इसे समझाओ कि डिसिप्लिन क्या है, वक्त की पाबंदी क्या है। कमान मामा जी, आप तो पीछे ही पड़ गए। या तू बैठ बैठ बैठ। आप भी मामा जी। और सुनने पता क्या हाल है, जल्दी ले भाई। नथिंग मच रियली, पेपर वर्क वगैरह बस। और कुछ नहीं यार, बहुत दिन हो गए, शिकार बने गए यार। आज शाम शिकार पे चले। क्यों आज चांदनी से नहीं मिलना? ओह माय गॉड, टाइम क्या है? हाय चांद, हाय, क्या बात है, यू लुकिंग वेरी नाइस। देर देर हो गई, वो नाराज हो? खुश हो? अरे अरे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो हाथ पे घड़ी बांध लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आदत नहीं है ना। और फिर अच्छा ही है, रूठे दिलबर को मनाने का मजा ना हो तो जिंदगी कितनी बेकार है। क्यों? बातें तो खूब बना लेते हो, अब देर से आने की वजह पूछ सकती हूँ? अब तुम यकीन नहीं करोगी, यकीन नहीं करोगी कि ऐसी गाड़ी का भी टायर पंचर हो सकता है। बनाने में वक्त लग गया इसलिए देर हो गई। अच्छा तो बाकी की शाम भी दूसरा टायर बनाने में गुजार लेना। दूसरा मतलब? क्या बचपन है चांद, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, देर से आने की यही सजा है। मंजिल खो जाती है।
रात सो जाती है चांदनी 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 क्या हुआ चिल्ला क्यों रहे आप चिल्ला रहा हूं अपनी लाडली बेटी के कारनामे सुनोगी तो गले में फंदा डाल के लटक जाओगी क्यों ऐसा क्या किया है उसने कॉलेज का नाम लेके घर से निकलती है और ना जाने कहां कहां भटकती फिरती है एक चंदर नाम के आवारा छोकरे के साथ हरगिज नहीं पापा चंदर एक अच्छा और शरीफ लड़का है मुंह तोड़कर रख दूंगा मैं तुम्हारा शरीफ घर के लड़के भले घर की लड़कियों को बहकाकर जंगलों में घुमाने ले जाते हैं जवाब दो हो सकता है कि मैं उसे घुमाने ले जाती हूं क्या तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है चांदनी जी जी पापा मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच पापा थैंक यू वेरी मच पर एक बात याद रहे अगर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा तो तुम उससे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलोगी समझी मुझे मंजूर है राज की बात बताऊं आई लव यू मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं अफो चंदर तुम क्या जिंदगी भर मुझे यूं ही सताते रहोगे ओ यानी कि तुमने जिंदगी भर मेरे साथ रहने का फैसला कर ही डाला क्यों वाकई चंदर मैंने तुमसे बड़ा बेईमान और कोई नहीं देखा और खबरदार जो मेरे अलावा तुमने कोई दूसरा बेईमान देखा तो ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है अपना हाथ आगे बढ़ाओ क्यों चुपचाप बढ़ाते हो यार हां भाई बढ़ाता हूं बात क्या है चक्कर क्या है पर ये क्या है घड़ी है वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ इससे मुझे मुझे इसकी आदत नहीं है चार आदत नहीं है तो डाल दीजिए क्योंकि कल तुम्हें ठीक 5 बजे मेरे घर पहुँचना है क्यों पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं क्या अरे वाह तो मैं 1 घंटा पहले तुम्हारे गेट के सामने खड़ा रहूंगा और जहाँ 5 बजे शहनाई बजाते हुए एंटर करूंगा तुम्हारे पापा मम्मी के पैर छूंगा तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा कहूंगा हमें आशीर्वाद दीजिए हमारे पास वक्त बहुत कम है हमें सिर्फ वक्त पर आ जाइएगा हुजूर मेहरबानी होगी मम्मी क्या है मम्मी बताओ ना कौन सा पहनो दिस ऑरेंज येलो हाँ अब तक तुम मुझसे पूछ के कपड़े पहनती थी और लड़का भी मुझसे पूछ के पसंद किया है कम ऑन मम्मी बताओ ना क्या पागलपन है जब एक कोई आया है बताना जा देख गुड इवनिंग तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए लो देर से आओ तो गुस्सा जल्दी आओ तो गुस्सा पर भाई तुम्हें नहीं तो कहा था कि तुम्हारे पापा वक्त के बड़े पाबंद हैं ओहो पाबंद का मतलब ये तो नहीं कि 1 घंटा पहले से पहुंचो ठीक है 1 घंटा पहले इसलिए आया हूं कि अब मैं महीना भर लेट आता रहूंगा गैरेट नाइस हाउस थैंक यू कौन है चांदनी ओहो ये नमक भी सारा सिल गया है बारिश के दिनों में अक्सर ऐसे ही होता है आंटी जी वो क्या है कि ब्लॉटिंग पेपर बर्नी में डालकर फिर नमक भरना चाहिए बिल्कुल नहीं चलेगा मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी अच्छा चंद्र तुम जी मगर तुम तो 5 बजे वो तो इनको ड्राइंग रूम में बैठाओ मैं अभी आई तुम आप नमक उफ महादेव आप परेशान मत होइए रिलैक्स रिलैक्स मैं आपका बेटा हूँ आपके साथ किचन में बैठूंगा किचन अच्छा एक बात बताइए आप बना क्या रही हैं मैं भी हाथ बताऊंगा मैं तुम रिलैक्स आंटी रिलैक्स मैं घर में हूँ अपने ही घर में हूँ पालक आपने मठरियाँ तो बहुत बनाई होगी आंटी राइट आपने कभी पालक की मठरी बनाई है पालक की मठरी लो यही तो ट्रेजेडी है लोग खाना बनाने को एक मामूली सा काम समझते हैं जबकि ये कला है कुकिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट नहीं हाँ वो तो है मगर पालक की मठरियाँ बिल्कुल आंटी मठरियाँ और वो भी पालक की पालक की वाह भाभी जी वाह ये मठरियाँ तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है पालक की है चंदर ने सिखाई है पालक की जी हाँ बिकॉज कुकिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट है ना अगर पालक की मठरियों पर बातचीत पूरी हो गई हो तो अदरक के पुडिंग या
प्यास के हलवे पर बातचीत शुरू करें? आपका चिढ़ना तो मुनासिब है ही, क्योंकि खुद तो आप एक कप चाय भी नहीं बना सकते। बना क्यों नहीं सकता, बशर्ते आप वादा करें कि मेरी बनाई हुई चाय पीकर दिखाएंगी। हाँ तो बरखुरदार, आप बारामूला से श्रीनगर तक 2 घंटे का सफर तय करके रोज चांदनी से मिलने के लिए आते हैं? जी जी नहीं सर, दरअसल स्टेट के काम से आना ही पड़ता है ना, तो चांदनी से भी मिल लेता हूँ। अच्छा अच्छा जी, यानी यूं कि काम से आते हो तो सोचते हो कि लगे हाथ चांदनी से भी मिल लिया जाए। जी ऐसा नहीं, वो दरअसल चांदनी से भी मिलने आता हूँ और साथ में काम भी हो जाता है। हाँ आई सी जी, यानी चांदनी से मिलने आते हो तो काम भी हो जाता है साइड बाय साइड, वरना काम की कोई खास अहमियत नहीं है। जी काम की अहमियत क्यों नहीं रहेगी, काम तो काम होता है, बल्कि मेले तो जी चांदनी से मिलने की कोई खास अहमियत नहीं है। जी नहीं सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं समझ गया आप फजूल मुझे उलझा रहे हैं। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? जी कुछ नहीं, मैं आई एम सॉरी सर। जी क्या? नहीं मुझे ऐसा लगा आपने मुझसे कुछ कहा। तुम अभी रुकोगे? जी नहीं मैं चलता हूँ। बस भी करो राजन मियाँ, अब बहुत हो चुका। ऐसा है बरखुरदार कि इस कमबख्त ने तुम्हारे बारे में पहले ही दरियाफ्त कर लिया था, और ये जो कुछ भी कर रहा है नाटक कर रहा है, पसंद तो तुम्हें पहले ही कर चुका था। जी ओ पापा। सर ये चांदनी चंदर को बाहर तक छोड़ कर नहीं आओगी? जी पापा। थैंक यू सर। किस बात का? अरे आपने मुझे चक्कर में जो डाल दिया था। चल बोलो कैसी रही? खूब रही, तारीख तय कर लो। क्यों बाबू पसीने छूट गए ना पापा के सामने? हाँ तुम तो बिल्कुल नर्वस हो गए थे। अरे अब सच्ची बात बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं, वो क्या कि तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए जैसे कुकिंग जरूरी था ना, वैसे ही तुम्हारे पापा का दिल जीतने के लिए वो जरूरी था। इन उनके सामने डर जाओ हार जाओ, वरना मैं किसी के सामने डरता हूँ क्या? एक्टिंग कर रहा था उनके सामने, एक्टिंग। रहने दो। अब इतने अच्छे एक्टर तो तुम हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो तुम कर रहे हो ना ये है एक्टिंग, पापा के सामने तो सचमुच होश उड़ गए थे तुम्हारे। ए, क्या हुआ? सच तो यही है चांद, एक पल के लिए लगा कि बस सब खत्म, खो दिया मैंने अपनी चांद को। चंदर? हाँ चांद, उसे एक पल में पता चला कि तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए, कि तुम्हें कभी खोना पड़े या तुमसे जुदा होना पड़े तो मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। बस बस चंदर, तुमसे अलग होकर मैं नहीं जी सकता चांद, मैं नहीं जी सकता। चलिए चलिए गाड़ी में बैठिए और थोड़ा थोड़ा सामान लेते चलिए, आइए आइए। चंद्र बेटे जी, हम सगाई का शगुन लेकर श्रीनगर चलते हैं जी, और तुम मट्टू के साथ आ जाओ। तो मामा जी क्यों ना मैं भी आपके साथ निकल पड़ूं? अरे शर्म कर शर्म, क्यों दूल्हा का सबसे पहले पहुंचता है हा? और शक्ल देखा, शेव कर नहा जाके, शेव ना क्या मिनट का काम है मामा जी। अरे आप लोग चलिए ना प्लीज। अरे ये कौन? मामा जी ये भी तो ले जाइए ना मामा जी, मामा जी जल्दी कीजिए, तैयार हो जाता हूं ना मामा जी प्लीज। खामोश, पांव भी ठीक से निकल पड़ना। अरे मत करो बिल्कुल। अरे ऐसे आवाज दीजिए जल्दी से जल्दी। अरे मुझे भी ले चलो मामा जी, चलो जल्दी आप लोग उस गाड़ी में बैठिए। बाय बाय। अरे अभी तक लाइट्स नहीं लगी, रामू जल्दी से जाकर उन्हें फोन करो। जी साहब अभी कर देता हूँ। स्टेज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अरे यहाँ का काम होता रहेगा, तुम ऊपर चलते और बाकी का इंतजाम देखो, आओ मेरे साथ। क्या ये चंद्र बेटे, चंद्र बेटे एक अपना मजदूर दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया। आइए जी अल्लाह बचाए बुरी नजर से, बिल्कुल शहजादी जैसी लग रही है हमारी रानी बिटिया। बड़ा किस्मत वाला है वो लड़का। लड़के को देखोगी आंटी तो कहोगी बड़ी किस्मत वाली है हमारी चांदनी बिटिया।
मिस्टर चंद्र प्रकाश, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शुक्र है सर, आप यहाँ से निकल लिए, बाकी यहाँ का मामला मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलूं। बिटिया तो तैयार होकर आ गई राजन मियां, लेकिन चंद्र अब तक क्यों नहीं आया? उसके मामा और सुरेंद्र फोन पर पता करने गए हैं। ओह क्या हुआ? चंद्र निकल चुका है मामा जी, चलिए। Hey, hey.
चांदनी, तू चीखी क्यों? मम्मी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। भगवान, मेरे चंदर की रक्षा करना। संभाल के रमाना, संभाल के। पानी का भाव बहुत तेज है। अगर गिर जाएगा, सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएगा, वो भी बिना पासपोर्ट के।
हो गया तुम्हारी हिकमत को बीबी गुल, सुबह से शाम हो गई और अभी तक ये बेहोश है। क्या तुम तो ऐसा करो खान भाई कि वो जो उधर सदर अस्पताल है ना, वहाँ से विलायती हकीम को बुला लो, वो फौरन ठीक कर देगा ऐसे। हाँ। मेरा मतलब ये नहीं था बीबी गुल। तो फिर क्या था, क्या था तुम्हारा मतलब? मेरा ये मतलब नहीं था, एक तो पानी में गल गल के मिट्टी के डले की तरह हो गया है पिलपिला। अरे गीले आटे को तंदूर में डालो तो उसे भी कुछ वक्त लगता है रोटी बनने में, क्या नहीं लगता? हाँ, और तुम तो बस ये चाहते हो झट से ये आंखें खोले, फट से खड़ा हो जाए। तो वो विलायती हकीम है ना, वो कर सकता है ऐसा जादू, मैं नहीं कर सकती। चली। अरे बीबी गुल सुनो तो। अब जो तुम्हारे हाथ में जादू है ना चाची गुल, वो भला कहाँ है किसी और के हाथ में? हाँ, बेवकूफ है ना पर चाची गुल, जो आ जाएगी तुम्हारी ललो चप्पो में। अशरफ छोड़ मेरा रास्ता, मारूंगी जादू। नहीं चाची गुल, अरे खफा नहीं होते। ये बूटी देना तो भूल ही गई, इस बूटी को घिसकर दूध में मिलाकर पिला देना। ए लड़की ले, बस आज की एक ही रात भारी है, ये इंशाल्लाह निकल गई तो ये बच गया, जरूर बच गया। हट जा यहाँ से। और हाँ, खुदा ना करे अगर बदन ठंडा पड़ने लगे तो कड़वा तेल गरम करके अपने बाबा जान से कह देना कि अच्छी तरह हथेलियों पे मल दे, इससे खून में गर्मी पैदा होती है। हुँ? जी चाची। बड़े आए बीबी गुल को हिकमत सिखाने वाले। खुदा हाफिज बीबी गुल। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाची गुल। अल्लाह हू अकबर। Thank you.
ना, जल्दी आइए बाबा जान। बाबा जान, इनसे पूछिए ना, अगर तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों कूद गए थे? बेटी, कैसी है तबीयत? अरे ये तो फिर बेहोश हो गया। बेटी तू जाके बीबी गुल को खबर कर दे। जी बाबा जान। नूरी, ओ नूरी, तो यहाँ है। चल, चाची ने मरीज के लिए दूध मांगा है। वो कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, बेहोश है, पर नब्ज ठीक है और सांस भी बिल्कुल ठीक है ना? खुशी की बात। पर तेरा तो ढंग ही निराला है नूरी, तुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं होती, ना खुशी की ना गम की। पता है कल सुबह से सब लोग लगे हुए थे, चाची ने तो ढेर सारी बूटियां चटाई पर कोई असर ही नहीं। पर जब मैंने उसकी हथेली पर मालिश की ना, तब कहीं जाके उसे होश आया। हाय नूरी, मैं तो मारे खुशी के बिल्कुल पागल हो गई। हाय मेरी चन्ना, इस बेजुबान पर इतनी मेहरबानियां कर रही हो, कभी इस गरीब पर भी कोई इनायत कर देती। हाय दरोगा जी, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बस यही तो तकलीफ है चन्ना, कि तुम कभी हमारी तरफ देखती ही नहीं। या मेरे खुदा, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें। इसका क्या मतलब दरोगा जी? कभी बाहर मिलो ना, मतलब भी समझा दूंगा। ठीक है, बाबा जान से पूछकर आ जाऊंगी। कहाँ मिलूं? बेड़ा गर्क। अरे बेटी हिना, ये दूध लाने में इतनी देर क्यों? शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल है, आज कैसे आने हुआ? अब क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? वो क्या है खान बाबा, कि हमारे कुछ आला अफसरान इस इलाके का मायना करने के लिए आए हुए हैं। अगर एक छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो उनकी शानदार दावत हो जाए। जरूर जरूर, मगर अफसरान मायना खैरियत तो है। आप तो जानते हैं कि परसों रात गजब का तूफान आया था। ऐसी तूफानी रातों का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी उनके जासूस हमारे मुल्क की सरहदों में घुसा देते हैं। तो हमारे जासूस भी जाते होंगे? क्यों जाते होंगे? पड़ोसियों के दुख सुख में काम आना, दीवारों पे उनके घर खीर सेवैयां भेजना, ये रिवाज तो सुने थे, मगर ये जासूस भेजने का रिवाज क्यों कर? आप इन पड़ोसियों को नहीं जानते खान बाबा, अरे ये जल्लाद होते हैं जल्लाद। अगर गफलत में कोई अपनी गर्दन झुका ले तो झट से गर्दन काट देते हैं उसकी। लेकिन हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह आता है। जब इनका कोई जासूस हमारे हाथ लगता है तो उसे मार मार कर उसकी असलियत जाहिर करने पर उसे मजबूर कर देते हैं और फिर साले को फांसी पर चढ़ा देते हैं। हाय रब्बा। बेटी हिना, तू जल्दी से जाके दूध बीबी गुल को दे दे, वो दवा मिला के उसे पिलाना चाहती है। जी बाबा जान। खैरियत तो है, कौन बीमार है? है एक बच्चा। अब इतने बड़े कुनबे में दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर आप फिक्र न करें। अशरफ मियां जी, जमन के यहाँ जाओ और एक बकरा साहब की जीप में रखवा। जी अच्छा। सोचने की बात है शहबाज खान, कि कागज के नक्शे पे इंसान की खींची हुई एक बेजान लकीर में क्या वाकई इतनी तासीर है कि धड़कते दिलों से खुदा के पैदा किए हुए मोहब्बत के जज्बे को मिटा दे और शक और नफरत का जहर भर दे? अफसोस की बात। ये जज्बात की नहीं खान बाबा, सियासत की बातें हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। ये आप ठीक कह रहे हैं, इंसानियत की बातें करने वाले सियासत की बातें कैसे समझ पाएंगे, है ना? मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अब तक यहीं हैं हुजूर, और घर में बेगम खाना पीना तैयार करके बैठी हैं। आए खाना तो खैर रास्ते में मैं खा लूंगा शहबाज खान, मैं यहां पर सिर्फ ये कहने के लिए रुका हुआ हूं कि यह वर्दी हमें आवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए दी गई है। जाहिर है हुजूर, इसमें कहने की क्या जरूरत है? जरूरत है शहबाज खान, और मेरे ये भी सुनने में आया है कि तुम बिला वजह मासूम और मजलूम लोगों पर ज्यादतियां करते हो। किसी दुश्मन ने आपके कान भरे हैं सर, ये बात झूठ है, सरासर गलत है। आप नवाब दीन से पूछ लीजिए सर। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूं, सोच लो। खुदा हाफिज। हुजूर साहब तो बड़ा बेसुरा बोल के गए। ऐसी की तैसी साले सुपरिंटेंडेंट की, ईमानदारी का तमगा लगाकर खुद कौन सी तरक्की हो गई साले की? 15 साल से वहीं का वहीं पड़ा सड़ रहा है। नवाबदीन, हुजूर तुम ये तो पता चलाओ कि ये शिकायत की किसने है। हुजूर मैंने भी उसकी खाल खींच कर गोश्त बाजार में नहीं बिकवा दिया तो मेरा नाम शाहबाज खान नहीं।
बाबा जान, बाबा जान, देखिए चाची, इसे फिर होश आ गया। शुक्र है खुदा का। बिल्कुल, क्या कहा था मैंने? अल्लाह ने चाहा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी तूफान इरादों का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी उनके जासूस हमारे मुल्क की सरहदों में घुसा देते हैं। तुम्हें इतने गहरे जख्म लगे हैं, तुम्हारी तो टांग भी टूट गई है बेटे। एक ही दिन में थोड़ी ना चलने पीने लग जाओगे। लेटे रहो बेटे। ये बीबी गुल है बेटे, इन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया है। जीते रहो बेटे। कैसी है तबीयत तुम्हारी? खान बाबा, इससे कुछ अपने बारे में भी तो पूछो। हाँ हाँ बोलो बेटे, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तुम किस गांव से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा? नाम? हाँ हाँ नाम, जैसे ये खान बाबा है, मैं अशरफ हूं, वैसे तुम्हारा भी तो कोई नाम होगा, बता दे क्यों नहीं? डरो मत बेटे, तुम्हारे घर वालों को फिक्र होगी, उन्हें भी तो कुछ खबर करनी पड़ेगी। अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो ये कैसे मुमकिन होगा? बेटे तुम्हें कम से कम ये तो याद होगा कि तुम दरिया में गिरे कैसे? मुझे कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं। या अल्लाह बंद कर ये ढोंग, ये झूठ बोल रहा खान बाबा, इसे सब कुछ याद है, ये दरअसल हमें ही कुछ बताना नहीं चाहिए। बोल तो क्यों रहा है? अरे बोल क्यों बोल? अरे ये ढोंग कर रहा है खान बाबा। मैं कहता हूँ भाग जाओ तुम। आप लोग इसकी चाल समझते क्यों नहीं? ढोंग करता है ये। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं। कहो बीबी गुल, क्या राय है तुम्हारी? खान भाई, मुझे तो लगता है बच्चा सच कह रहा है, वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में शायद सब कुछ भूल चुका है। ये कैसे मुमकिन है चाची? मुमकिन है अशरफ, जैसे किसी गहरे सदमे की वजह से एक इंसान अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता है, पागल हो जाता है। भाई होता है नहीं, वैसे ही सर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से कभी कभी इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो याददाश्त खोने का बहाना कर रहा हो। हाँ हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? मगर तुमने भी तो देखा था ना अशरफ, ये किस हाल में मिला था हमें, उसके जिस्म पर लगे जख्म तो झूठे नहीं थे और ना ही उसका मरा हुआ सा वो हाल। बीबी गुल बिल्कुल ठीक कह रही है अशरफ, ये अल्लाह की मर्जी थी कि उसे हम तक पहुंचाया, हमें वसीला बनाया उसे एक नई जिंदगी देने का, क्या अब हम इस जिम्मेदारी से दामन झटक दें? इस मामले में जज्बाती होना ठीक नहीं है खान बाबा, मैं तो समझता हूँ कि इस लड़के को पुलिस के हवाले कर देना ही मुनासिब होगा। आपको दरोगा साहब की बात याद है ना, कौन जाने कल को ये भी कोई जासूस निकले। क्या 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 जासूस? और ये उस लफंगे दरोगा ने कहा और तुमने मान भी लिया? अरे अशरफ, तुमने कभी जासूसी के चेहरे देखे भी हैं? क्या वो इतने सच्चे, इतने मासूम हुआ करते? अब ये तो कोई बात नहीं हुई चाची, शैतान भी पहले फरिश्ता नजर आता था, जब असलियत जाहिर हुई तो दुनिया के लिए जहन्नुम का बाइस बनकर रह गया। खान बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का भी हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दे, क्योंकि अगर ये जासूस है तो इसे पनाह देकर हम सब के सब कानून की नजर में गुनहगार ठहरेंगे। और अगर वो जासूस नहीं तो जो ही हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे, वो लोग उस पे पता नहीं क्या क्या जुल्म डालेंगे और मार मार के उसे मजबूर करेंगे कि वो कुछ बोले, और वो गरीब बोलेगा क्या, उसे तो कुछ याद ही नहीं, तब हम उस अल्लाह की निगाह में गुनहगार होंगे जिसका कानून इंसान के बनाए हुए हर कानून से कहीं ऊंचा है। ये चाहते हो तुम अशरफ? खान बाबा मैं क्या? ठीक है खान बाबा, जैसी आपकी मर्जी, बोलिए क्या करना है। अच्छा तो ये करो कि तुम रजाक और जमन यहां दरिया किनारे जो चार छह गांव हैं वहां जाके दरियाफ्त करो, हो सकता है कि वो वहीं कहीं से हो।
नंबर तो वही है जो आपने लिखवाया था राजन मियां। पर चंदर का क्या हुआ? कुछ कह नहीं सकता, एक लोहे की बनी गाड़ी का ये हाल हुआ तो एक कमजोर इंसान की हैसियत क्या है? नहीं ऐसा मत कहिए अंकल, मेरे चंदर को कुछ नहीं हो सकता। आप उसे ढूंढ निकालिए, प्लीज आप लोग उसे ढूंढ निकालिए। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ बेटी, पर ऐसे जबरदस्त तूफान में चंदर कहाँ बाहर निकला होगा, कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं मम्मी, अच्छे से मुंह धोया कि नहीं दिखाओ। शाबाश, चलो जल्दी से दूध पी लो, लो गरम है। इतना सारा चाची गुल का हुक्म है? हाय हफ्ते भर से बिस्तर में पड़े हो, दूध नहीं पियोगे तो कमजोरी कैसे दूर होगी? मैंने तो नूरी को भी कह दिया है कि रोज ज्यादा दूध दिया करे। नूरी चाची गुल की बेटी? हाय नहीं, बकरी है हमारी, मगर कोई ऐसी वैसी नहीं, लाखों में एक है, बिल्कुल चांद सा चेहरा है उसका। चाची बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली, उनके शौहर और बेटे का इंतकाल हो गया एक हादसे में कुछ साल पहले। चाची है तो कुम्हारन, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाती, लेकिन रब ने कमाल की शिफा दी है उनके हाथ में, जवाब ही नहीं उनका तो। आसे पासे सब गांव वाले उन्हीं के पास आते हैं इलाज कराने। हाँ मगर ये और बात है कि मेरे ही तिल मलने से तुम्हें होश आया। चांद, चांद। हाय तुम बार बार चांद क्यों बोले जा रहे हो? पता नहीं ये लफ्ज कुछ जाना माना सा लगता है। अच्छा तुम्हें जरूर कुछ याद आने लगा है, सोचो याद करो। चांद। किसी का नाम तो नहीं? शायद। तुम्हारा नाम तो नहीं? मेरा नाम? हाँ भला अपने नाम से और जाना माना क्या हो सकता है? मेरा नाम हो ना हो मुझे तो यकीन है कि चांद तुम्हारा ही नाम होगा। तुम इतने प्यारे जो हो, मैं अभी जाके सबको खबर कर देती हूँ कि तुम्हें अपना नाम याद आ गया है, बहुत खुश होंगे। बाबा जान उसे अपना नाम याद आ गया। बाबा जान चांद नाम है उसका। चांद। चांदो लाली सोनी उसे अपना नाम याद आ गया। चांद नाम है उसका चांद। रेशम अकबरी अजरा चांद नाम है उसका। उसे याद आ गया अपना नाम। सुबह सुबह कहाँ कयामत ढाने जा रही हो चन्ना? हाय दरोगा जी आप कैसे आना हुआ? कल जो मुर्खियाँ लेके थे वो खत्म हो गई क्या? बड़ी ना समझो, मैं यहाँ मुर्गियाँ लेने थोड़ी आता हूँ, वो तो सिर्फ एक बहाना है। हाय और अब्बा बहाने से मुर्गियाँ ले जाते हो दरोगा जी? नहीं चन्ना, बहाने से तुम्ही को ढूंढता फिरता हूँ। क्यों दरोगा जी, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। हाय चन्ना, तुमने तो वो जुर्म किया है कि किसी ने ना किया हो। हमारे दिल से पूछो, कत्ल कर दिया तुमने हमें। एक तो दरोगा जी आप बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करते हो, सीधी बात कभी नहीं कर सकते। मैं चलती हूँ, बीमार बेचारा घर में अकेला होगा। ये बीमार कहाँ से पाल लिया तुमने? कहाँ ये फूल जैसे नाजुक हाथ और कहाँ तीमारदारी का काम? आखिर ये मरीज है कौन, कोई खास अपना है क्या? जी हाँ हाँ बिल्कुल अपना है। वो अपनी हसीना बुआ है ना, वही जिन्होंने पिछले साल पहाड़ी पे डेरा डाला था, याद है ना आपको? उन्हीं का तो बेटा है चांद। बारिश में पेड़ पे चढ़ा था लकड़ियां काटने, पांव फिसला तो सीधा दरिया में जा गिरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच गया। फूटी किस्मत उसकी, दरिया से बच गया तो घर आकर मरा गया। अब उस पर ऐसी बिजली गिरेगी कि जलकर राख हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये चन्ना कि दिन रात अपना ये खूबसूरत चेहरा तुम उसके सामने रखोगी तो क्या वो खाक ठीक होगा? अगर वो तुम्हारे हुस्न का शिकार हो गया तो अपनी जान से भी जाएगा। हाय रब्बा। कुछ हमारी बात समझ में आई चन्ना? बिल्कुल आ गई दरोगा जी, अब चलती हूँ, उसकी दवा का वक्त हो गया। अरे रोक जाओ चन्ना, मेरी बात तो सुनती जाओ। फिर कभी दरोगा जी। चली गई, कभी अपने इस मरीज का भी तो इलाज कर दे।
खैर फिर कभी सही। ये तुम बीच दरवाजे में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अभी गिर जाते तो? और ये क्या है? चाची ने तुम्हें बगैर लाठी के चलने को कहा था कि नहीं? तो फिर फेंको इसे। अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तो जल्दी ठीक कैसे हो? क्या हुआ? तुमने मुंह क्यों ढक लिया? मुझे सब पता चल गया कि तुम जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहे हो। क्यों भाई, अब ये खूबसूरत चेहरा लिए मैं दिन रात तुम्हारे सामने घूमती रहूंगी तो तुम क्या खाक ठीक हो जाओगे? मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रही हो तुम। ना बाबा ना, कहीं तुम मेरे हुस्न का शिकार हो गए तो? तौबा तौबा, फिर मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो तुम बिल्कुल मेरे हुस्न का शिकार मत होना, समझे? मेरी तो समझ में। ओ हिना बेटी आई बाबा जान। ये कोई हंसने की बात है? मैं नहीं बोल रही तुम सबसे। लेकिन बेटी तुझे हुआ क्या? अपने से लंबा घूंघट ओढ़ने की सूझी कैसे तुझे? ये सब उस मोया दरोगा की वजह से हुआ। कौन? वो मक्कार शहबाज खान? और नहीं तो कौन? लगा था टेढ़ी मेढ़ी बातें करने, बीमार के बारे में सवाल पूछने। कैसा सवाल बेटी? यही कि बीमार कौन है, कोई खास अपना है क्या? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया अपनी हसीना बुआ का लड़का है, लकड़ियाँ काटते काटते दरिया में जा गिरा और बस। ये तुमने क्या किया? अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब इसे एक झूठ को निभाने के लिए न जाने और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अरे जाने भी दो अशरफ, बच्ची है, गलती हो गई। वो झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए उसे अल्लाह भी माफ कर देता। लेकिन शहबाज खान जैसे लोग नहीं करते खान बाबा। अरे इसका क्या है, ये तो कल को ठीक होकर चलता बनेगा, रह जाएंगे हम सजा भुगतने के लिए। अरे अशरफ रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। कोई बात नहीं अशरफ, की बातों का बुरा मत मानना भाई। वो जबान का तेज जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। वालेकुम अस्सलाम खान भाई, आइए आइए। देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। चाची। वालेकुम अस्सलाम। अरे जान माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो बैठो। चाची आज पहली बार घर से बाहर कदम रखा तो कहने लगे कि मैं सबसे पहले चाची के घर जाऊंगा। हाँ और फिर चाची वहाँ से यहाँ तक बगैर किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर चल कर आए। अच्छा शाबाश, खुदा तुम्हें तंदुरुस्ती दे बेटे, उम्र दराज हो। चाची चाची आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरे दिल में हमेशा आपकी जगह उस माँ के करीब रहेगी जिसने मुझे पैदा किया। मेरी ये जिंदगी आपके प्यार की, आपकी खिदमत की कर्जदार रहेगी। चल पगले, खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं करते। जिंदगी का लेने देने वाला तो वो अल्लाह है, हम तो बस वो जरिया हैं जिससे वो अपनी मर्जी चलाता है। अच्छा सुन चाची, कुल के हाथ की दवाइयाँ तो तुमने बहुत खाई, आज खीर खाकर देख ले। अभी लाई। वाह भाई वाह, आज का दिन तो वाकई मुबारक है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। लो बेटे। हिना बेटी लो। बीबी गुल, इलाज तो तुम इसका कर चुकी और आज इतनी बढ़िया खीर भी खिला दी, अब सिर्फ एक एहसान और कर दो बच्चे पर। एहसान? वो क्या? दरअसल ये बच्चा बड़ा गैरतमंद है, कहने लगा अब मैं ठीक हो गया हूँ काम करूंगा। अच्छा, और तुम तो जानती हो कि जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता इसे गांव से बाहर भेजना मुनासिब नहीं है, इसलिए अपने ही यहाँ किसी काम पे लगा दो, अच्छा होगा। मजदूरी जो ठीक समझो दे देना। हाँ हाँ क्यों नहीं खान भाई, मैं इसे घड़े बनाना तो यूँ सिखा दूंगी कि कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाएगा। बेटे तुम आज ही से आ जाना। ठीक है चाचा। चाचा एक और कटोरी खीर मिल सकती है? क्यों नहीं क्यों नहीं। वाकई खान बाबा, चाची इतनी अच्छी खीर बनाती है, इतनी अच्छी खीर बनाती है कि उनका हाथ चूमने को दिल करता है। मैंने तो सोच लिया है नूरी, आज से मैं उनको कोई काम नहीं करने वाली। भाई दिन रातों में उनकी खिदमत करती रही मगर मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। अब मजा आएगा, भूख से तड़प रहे होंगे दोनों, मगर मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। पहले जरा चांद साहब की सुनो, वो ठीक क्या हो गए कि सबसे पहले चाची के घर पहुंच गए, कहने लगे चाची मेरी जिंदगी हमेशा आपके प्यार आपकी खिदमत की कर्जदार रही,
और हिना की खिदमत का क्या? कुछ भी नहीं। हाय नूरी, तूने भी तो इतना दूध दिया था उसके लिए, पर झूठे मुंह आकर भी उसने तेरा शुक्रिया अदा किया नहीं ना? अरे सुबह शाम एक से बढ़कर एक खाने खिलाए, पर आज चाची ने खीर की दो कटोरियां क्या खिला दी कि वो कहने लगा चाची तो इतनी अच्छी खीर बनाती है कि उनका हाथ चूमने को दिल करता है। कभी हिना का हाथ चूमने को दिल किया? नहीं। लेकिन नूरी, इस वक्त यहाँ कैसे? पानी लेने आई हूँ और क्या? बगैर मटके के? हाय ये बेख्याली, ये उड़ा उड़ा सा चेहरे का रंग, तेरी तबीयत तो ठीक है ना अनारदानिये? अरे रेशम, मुझे तो लगता है कि अपने उस मरीज का इलाज करते करते हमारी हिना रानी खुद बीमार हो गई है। क्यों बीमार होगी तू? मुझे क्या हुआ? हाय ये मर्ज वो नहीं जो दिखाई दे, ये तो सीधे दिल पर वार करता है। दिल पे? हाँ, फिर मीठा मीठा दर्द जगाता है, कुछ खुद गुदाते सपने दिखाता है, और फिर ऐसा भी एक दिन आता है कि इंसान खुद से परे होकर किसी और का बन के रह जाता है। अयो रपा, ये कैसा मर्ज है? इसी मर्ज को प्यार कहते हैं हिना रानी। आह, प्यार भी कोई मर्ज है भला? अब है या नहीं ये तो वही अच्छी तरह समझा सकता है जिसने तुम्हें ये मर्ज दिया है। कौन? अरे वही मेरी अनारदानी है जो घर में मेहमान बनकर आया था और तेरे दिल का मालिक बन बैठा है। अरे खान बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? वो आज बाजार का दिन है ना, सब वहाँ गए। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। अरे ये चाय बनी है? रोज दूध पी पी के जी उब गया है, आज एक प्याली चाय मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, बैठो मैं भी लाती हूँ। तुम्हारे लिए भी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी लाई। ये लो। इतने दिनों के बाद चाय पीने का मजा ही कुछ और है, क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। चांद, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? प्यार? प्यार तो खुदा का बनाया हुआ वो हसीन जज्बा है जो हर इंसान के दिल में होता है। ओह वो नहीं, मैं तो वो खास वाले प्यार की बात कर रही हूँ, वो जो सीधे दिल पे वार करता है। वार करता? हाँ हाँ, फिर मीठा मीठा दर्द जगाता है और फिर न जाने क्या उटपटांग हो जाता है कि एक इंसान दूसरे का होके रह जाता है। अच्छा अच्छा, वो प्यार तो तब होता है जब कोई गैर बिल्कुल अपना सा लगने लगता है, फिर इतना अच्छा लगने लगता है, इतना अच्छा लगने लगता है कि जी चाहता अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दो। वो कैसे? वो ऐसे कि अब अच्छा समझो तुम्हारे पास एक ही प्याली चाय है, जैसे पीने को तुम्हारा बड़ा जी चाह रहा है, लेकिन जैसे उस गैर ने तुमसे वो चाय मांगी तुमने झट से उसे दे दी और खुद चाय पिए बगैर ही खुश हो गई। अयो रब्बा, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। Oh
ये लोग तो कुछ समझते नहीं, अब आप ही इन्हें समझाइए। पेचीदा मसला है इकरामिया, सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम अशरफ मियां, कुछ पता चला? नहीं खान बाबा, सरद के पास जितने भी गांव बचे थे उनमें भी पूछ लिया, वहां भी कोई लापता नहीं है। चांद नाम के जितने भी लड़के खान बाबा, सब अपने अपने घरों में मौजूद है। अब क्या करेंगे खान बाबा? पता नहीं बेटे, हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अब आगे जो अल्लाह को मंजूर। जल्दबाजी ना करो चांद, नहीं नहीं हल्के हाथ से बेटे, ज्यादा दबाओगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, अरे ओरी नजमा, हाँ पिछले आधे घंटे से मटके छांट रही हो, क्या एक भी पसंद नहीं? अरे अप्पू गुल, पैसे देके मटका खरीदना है तो पूरी तसल्ली तो करूंगी ना। कर ले तसल्ली। अरे ये क्या है? मटका है, और क्या है? मटका और इतना टेढ़ा। ये चांद के हाथों का पहला मटका है, तुम कोई दूसरा ले लो ना। दूसरा तो लेंगे ही, इसे तो पैसा देकर कोई दीवाना ही खरीदेगा। चलो बेटे तुम अपना काम करो। चाची। वालेकुम सलाम बेटी, कैसे आना हुआ? मेरा मटका फूट गया, दूसरा लेने आई हूँ। अच्छा अच्छा, जा अपनी पसंद का ले ले। शाबाश। चाची ये वाला कितने का है? ये वाला तो मुफ्त का है बेटी, है? ले जा। हाय अप्पा गुल, पहले बताती तो मैं ही ले जाती, अब इतना भी बेकार नहीं है। हाय भाभी, ये तो मैं तुम्हें लाख रुपए में भी नहीं दूंगी, समझी? खुदा हाफिज चाची।
खुदा हाफिज बेटी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा जान, मटका फूट गया। मगर कैसे? अब कैसे क्या, मिट्टी का बर्तन है, गिरा तो फूट गया। चलो कोई बात नहीं, अब चाची के यहाँ से दूसरा लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं उसे कह दूंगा, वो भेज देगी। नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगी। अब पैसे देके लेना है तो छांटना तो होगा ना। हाँ ये भी ठीक है, तो जाओ खुद ही ले आओ। अच्छा बाबा जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है हिना बेटी, आज फिर मटका फूट गया क्या? हाय चाची, आपको किस तरह पता चल गया? बस पता चल गया, जा अपनी पसंद का छांट ले। अच्छा चाची। चाची मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। हाँ हाँ खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम बीबी गुल, कहो कैसे आना हुआ? सोचा चलकर आपको बता दूँ। हाँ? कि हिना मेरे यहाँ से पिछले दिनों में ना जाने कितने मटके ले जा चुकी है। तो पैसे लेने आई हो क्या? तौबा करो, मैं तो ये कहने आई हूँ। हाँ? कि ये मटके फूटने और खरीदने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अगर आपने कुछ न किया तो। अरे आ जाने दो हिना को, अभी पूछ लेते। क्या 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 पूछेंगे आप? कि बेटी तुम मुझसे पूछे बगैर ही जवान क्यों हो गई? क्या मतलब? है ना मजे की बात खान भाई, कि बच्चे जवान होते हैं तो दुनिया को पहले खबर हो जाती है और घर वालों को बाद में। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम शहबाज खान। आए आए बैठे। आज सुबह सुबह इतनी सज धज के कहाँ की तैयारियां हैं? बस आप ही से मिलने आया था खान बाबा, कुछ हिना के बारे में बात करनी है। हिना के बारे में क्या किया है उसने? नहीं खान बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी तो हीरा है, हीरा, एक बहुत ही नायाब और मुबारक हीरा। मुबारक या ना मुबारक, तो हीरा अंगूठी में जड़ने से होता है दारोगा साहब। अलबत्ता उसे निगलने की हिमाकत की तो अतड़ियां काट लेने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। निगलना होता तो खान बाबा से इजाजत मांगने नहीं आता। खान बाबा मैं हिना से शादी करना चाहता हूँ। तो क्या अब तक कुंवारे बैठे थे दरोगा साहब? बिल्कुल नहीं, अब तक दो शादियां कर चुका हूँ आपकी दुआ से। पहली बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई और दूसरी मुझे प्यारी नहीं। खैर वैसे भी हम में चार शादियां जायज हैं, लेकिन आप कहें तो खान बाबा मैं अपनी इस बीवी को तलाक दे देता हूँ। तलाक क्यों? क्या वो बीमार है या उसे औलाद नहीं होती? अल्लाह ना करे, हमारे तो माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। ओ, तो फिर बच्चे लेना होगी। क्या बात करती हो गुलबानो, बात सिर्फ ये है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, प्यार करता हूं तो सिर्फ हिना से। और अगर कल हिना से भी जी भर गया तो उसे भी कहीं फेंक कर चौथी शादी करेंगे आप? क्यों? पर खान बाबा मैं नहीं। शहबाज खान, शरीयत इस्लाम की ये मुकद्दस रिवायतें, ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए कि मर्द उनका नाजायज फायदा उठाकर औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। नहीं, ये कानून तो औरत को प्यार, इज्जत और पनाह देने के लिए बनाए गए हैं। लिल्लाह,
इनको यूं बदनाम ना करें। मैं तो इतना जानता हूं खान बाबा कि मैं यहां नेक नियत से आया था। आप फैसला करने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, सोच लीजिए। आपकी हिना को बड़े ऐशो आराम से रखूंगा, जेवर और कपड़ों से लाद दूंगा उसे, और फिर मुझ जैसा आदमी आपके आड़े बस में बहुत काम आ सकता है। या फिर चलता हूं, रात को दौरे से लौटने के बाद फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज। तुम ठीक कहती थी बीबी गुल, बच्चे जवान हो जाते हैं तो दुनिया को पहले खबर हो जाती है, और घर वालों को सबके बाद। मैं तो बस यही कहूंगी, इससे पहले कि मुआ दारोगा कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे, आप हिना की शादी कर दीजिए। कर तो दे बीबी, मगर किससे? किससे क्यों, हमारे चांद से। अच्छा शरीफ बच्चा है, माशाल्लाह जहीन है, मेहनती है, और सबसे बढ़कर हिना उसे चाहती है खान भाई, यही तो बताने आई थी मैं। मगर बीबी, उसके तो ना घर का पता है ना उसके घर वालों का, और उस बेचारे को तो कुछ याद भी नहीं। यानी कि अब वो यही रहेगा ना हमारे पास। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। हिना की शादी चांद से हो गई तो न सिर्फ बेटी आपकी नजर के सामने रहेगी, बल्कि आपको एक बेटा भी मिल जाएगा। फिर हमारी हिना इस नामुरा दारों की गिरफ्त नजर से भी बच जाएगी, और किसी को ये शक भी नहीं रहेगा कि चांद हमारे कुंबे का नहीं है। क्यों? सोचना पड़ेगा बीबी, सोचना पड़ेगा। रोमा, चांदनी, भाई मुंह मीठा कर लो, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? चंदर का पता लग गया ना, मेरा चंदर आ गया। ओ मैं चंदर, चंदर, चंदर। ओ मैं पापा, स्वीट पापा। मामी, मैंने क्या कहा था? वो देर से आता है लेकिन आता जरूर है। ओ मैं कितनी खुश हूँ। लो मुंह मीठा कर लो। बेटी सुनो तो। ओ पापा, मैं तो आपको भूल ही गई। आप भी मिठाई लीजिए ना। पापा चंदर आ गया, पापा चंदर आ गया। बेटे, बात वो नहीं है। तो फिर मिठाई क्यों लाई है घर में? बेटे, आज सुधा के पास होने की खबर मिली है। हाँ हाँ, खुशियाँ मनाइए आप लोग, जश्न मनाइए आप लोग। चांदनी मरती है, मरने दीजिए उसे। चांदनी, मैं पूछती हूँ, आप लोग पता क्यों नहीं लगाते मेरे चंदर का? क्यों नहीं ढूंढ कर लाते उसे मेरे लिए? ढूंढ चुके हैं बेटी, ढूंढ चुके हैं, मगर वो मिलेगा कैसे जो इस दुनिया में है ही नहीं? क्या मतलब मम्मी, क्या मतलब मम्मी, है ही नहीं से आपका क्या मतलब है? चंदर, चंदर का भूत बनी था जो हवा में गायब हो गया। चांदनी, समझने की कोशिश करो। क्या समझो पापा, आप ही बताइए। उसे क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया? आप बताते क्यों नहीं, आप चुप क्यों है? चांदनी, मेरे चंदर को चांदनी, कर लाए। पागलपन छोड़ो, मेरा चंदर मैं कहता हूँ पागलपन की। मुझे मेरा चंदर। चांदनी, मारिए मुझे, जान से मार दीजिए, चाहे तो गला घोट कर फेंक आइए मुझे कहीं, लेकिन मेरे चंदर के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, मत कीजिए मेरे चंदर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात, मत कीजिए, मत कीजिए। मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास, मत कीजिए। बहुत हो चुका ये पागलपन, चंदर मर चुका है, 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 मर चुका है। मेरा चंदर आएगा, मेरा चंदर जरूर वापस आएगा मामी, मेरा चंदर आएगा। Oh!
खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। सब्र करो, वो लोग आ रहे हैं। अरे बच्चे को बचा लिया। और खुदा का शुक्रिया अदा कर कि वक्त रहते चांद भाई ने अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लिया। वाकई भाभी, क्या खूब निशाना लगाया चांद भाई ने। चांद भाई, हम ताउमर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अब तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। और नहीं बेटे, आज तुमने अपने सर से इस कुनबे का सारा कर्ज उतार दिया। तो तुम हो चांद जो उस रात नदी में जा गिरे थे। जीप चला लेते हो, बंदूक भी चला लेते हो। पूछ सकता हूं ये सब कहां से सीखा है? जीप तो हमारे यहां के बहुत से लोग चला लेते हैं और बंदूक भी। आपने उनसे तो कभी दरियाफ्त किया नहीं, तो आज ये चांद से सवाल क्यों? हर अजनबी से सवाल करना तो हम पुलिस वालों का काम होता है खान बाबा। लेकिन अजनबी यहां कोई भी नहीं। चांद न सिर्फ मेरी बहन हसीना का बेटा है, वो हिना का होने वाला शौहर भी है। परसों रात मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी और जुमेरात के मुबारक रोज निकाह। फुर्सत हो तो आप भी तशरीफ लाइएगा, आपको भी दावत है। बहुत बहुत शुक्रिया खान बाबा, खुदा हाफिज। ये आपने क्या कह दिया खान बाबा? हिना की शादी चांद के साथ? अगर शहबाज खान का शक दूर करने के लिए आपने झूठ बोला है तो ये झूठ नहीं है अशरफ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये अहम फैसला किया है। हिना की शादी चांद से ही होगी। नहीं खान बाबा, खान बाबा ये ठीक नहीं है। आप अपनी बेटी को कैसे इंसान का हमराह कैसे बना सकते हैं जिसे खुद ना अपने रास्ते का पता है ना मंजिल का? जरा सोचिए खान बाबा, मेरा ना तो कोई ठिकाना है, ना तो कोई खानदान है और ना ही कोई घर बार। कौन कहता है? हाँ, कौन कहता है? आज से तुम बीवी गुल के बेटे हो चांद, और मेरा घर तुम्हारा घर। अब बोलो। लेकिन चाची, मगर बेटे तो बात क्या है? क्या हिना तुम्हें पसंद नहीं? नहीं खान बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हिना तो प्यार की वो मुबारक कली है जिसकी महक से इंसान की जिंदगी सवर जाए। लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ खान बाबा, काबिल नहीं हूँ। तुम किस काबिल हो बेटे, ये हिना के दिल से पूछो। शानदार शलवार कमीज बनवाई है दूल्हे भाई के लिए। अरे ये जरी वाला सदरिया देखो कितना सोना है ना? साथ में जरी वाले जूते भी हैं। अरे ये जूते दूल्हा भाई के पैरों के लिए नहीं, ये तो हमारी हिना रानी के सर पे पड़ने के लिए है। जा जा, जूते पड़ेंगे तेरे सर पे, और वो भी फटे पुराने। हाय ये क्या है, रूमी टोपी? अरे इसमें तो हमारे दूल्हे राजा चप्पूस लगेंगे। चप्पूस? चप्पूस नहीं, मखनचू लगेंगे, मखनचू, वो भी परले दर्जे के। जा जा, मखनचू लगेगा तेरा होने वाला। वो तो शहजादा लगेंगे जिसे देखकर सब रश करेंगे कि असा रूमी टोपी वाले नाल जाना। हाय सुना तुम लोगों ने, अरे हमारे अनादानी ने रूमी टोपी वाले दे नाल जाना है। Oh,
दूल्हे के घर से इत्र जो आया
चांद बेटे, क्या हुआ बेटा? बेटे कुछ बोलो भी। आप लोग मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मंगनी होने वाली थी। नहीं बेटे, मंगनी नहीं, आज मेहंदी की रस्म है और जुमेरात की मुबारक रोज तुम्हारी शादी है हिना के साथ। हिना? कौन हिना? नहीं, मेरी शादी किसी हिना से नहीं, चांद से होने वाली है। चांद से? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटे? चांद तो तुम्हारा अपना नाम है। मेरा नहीं, मेरी होने वाली मंगेतर का नाम है चांदनी। मैं उसे प्यार से चांद पुकारता हूँ। क्या? हाँ। खुदा खैर करे। खान भाई, मुझे लगता है इसकी याददाश्त वापस आ गई है। याददाश्त? हाँ बेटे, बोलो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी चंदर, चंदर प्रकाश। चंदर प्रकाश? जी हाँ। क्यों? देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैं गाड़ी में मेरा मैं देखिए मुझे पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंचा, लेकिन वहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचना है। श्रीनगर? जी हाँ, वहीं तो रहती मेरी चांद। क्यों? या खुदा, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो तू हिंदुस्तानी है। तो क्या हुआ, हम सब यहाँ हिंदुस्तानी ही हैं? नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और तू भी इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में? ये कैसे हो सकता है? बनावट, मक्कार धोखेबाज फरेबी। पता क्या मिला तुझे हमारी भोली भाली हिना की जिंदगी से खेलकर? क्यों फंसाया तूने उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में? क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं? आप गलत है, ये झूठ है। ये हाँ, ये झूठ है। ये सारे गांव में साजो सजावट झूठ है। ये खान बाबा का झुका हुआ सर गलत है। क्यों? वहां पर्दे में बैठी हिना, उसके हाथों की मेहंदी झूठ है, गलत है। नहीं, अगर यहां कोई गलत है तो वो तू है। तू और तेरी ये मनहूस जिंदगी, तेरा ये वजूद, जिसे मैं आज खत्म कर दूंगा। जा, मुझसे बात करूंगा तुझे। क्या? खबरदार! अशरफ भाई, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, जान से मार दूंगा, मार दूंगा। हाथ उठाया। हाँ बाबा, क्या आप अब भी इसे बचाना चाहते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा था कि इतना यकीन मत कीजिए एक अजनबी पे। मैं लगातार कहता रहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, मगर आपने मेरी एक न सुनी। देख लिया आपने भरोसे का अंजाम। आज ये असलियत जाहिर हुई कि ये एक हिंदुस्तानी है, कल ये भी जाहिर हो जाएगा कि ये एक जासूस है। खान बाबा, जासूस? हरगिज़ नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं खुद पुलिस में जाकर अपनी सारी असलियत बताने को तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी,
अगर गांव के बाहर कदम भी रखा तो। आप अब भी इसकी चालाकी को नहीं समझते खान बाबा। इसने हम सबको अपने फरेब के जाल में उलझा लिया। ये अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस अब इससे नहीं हमसे सवाल पूछेगी, शहबाज खान हीरा से पूछेगा, आपसे पूछेगा खान बाबा कि आपने सबके सामने एक पुलिस अफसर ने झूठ क्यों कहा कि यह आपकी सगी बहन हसीना का बेटा है। वो हम सबसे पूछेगा कि हमने महीनों तक इसे अपनी पनाह में क्यों छुपाए रखा। महीनों तक? हाँ हाँ महीनों तक। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि तुमको जानता ही नहीं। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि मैं चंद्र प्रकाश हूँ, मैं बारामूला का रहने वाला हूँ, मैं चांदनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसके साथ मेरी मंगनी होने वाली थी। आते आते बहुत देर होगी बेटे, बहुत देर होगी। खान बाबा मैं तो अब भी कहता हूं बस ठीक आप... करो अशरफ, ये वक्त गुस्से में आके होश गंवाने का नहीं है। बहुत सोच समझ के हमें इस नाजुक मसले का हल निकालना पड़ेगा और इसके लिए वक्त चाहिए। बीबी गुल तुम इसे घर ले जाओ और तुम लोग भी अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। इस बात का फैसला हम कल करेंगे। बेटी है ना? नादानी क्यों हुई नूरी? मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा? आखिर चांद की जगह तो आसमान पर है और हिना की जड़ें जमीन में। हमारा मिलना तो नामुमकिन था नूरी, फिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा? क्यों देखा मैंने नूरी, क्यों देखा? क्या आंसू यहीं बह के थम जाए तो अच्छा है। आखिर खता तो मुझसे हुई है, फिर इसकी सजा किसी और को क्यों मिली? उनके सामने आंसू बहाकर उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाए? नहीं नूरी, अभी गम सिर्फ मेरा है, इसका एहसास किसी और को नहीं होना चाहिए। सारा कसूर मेरा है खान भाई, ना मैं आपको हिना की शादी का मशवरा देती, ना बात यहां तक पहुंचती। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता बीबी गुल,
हिना के नसीब में जो लिखा था वो हो गया। किसको पता था कि हमारा ये फैसला हिना की जिंदगी को हमेशा के लिए गम के अंधेरों में ढकेल देगा। रुक जाओ हिना, कहाँ जा रही हो? चंदर के लिए दूध लेके जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, समन को दे दो, वो ले जाएगा। क्यों अशरफ भाई, आज से पहले तो मुझे किसी ने नहीं रोका। तब बात और थी हिना, अब बात और है। अशरफ, अगर बात सिर्फ इसलिए और है कि आज वो पाकिस्तानी न होकर हिंदुस्तानी है, मुसलमान न होकर हिंदू है, चांद न होकर चंदर है, तो बड़े शर्म की बात है। ये आप क्या कह रहे हैं खान बाबा? अशरफ मियां, आसमान में चमकते चांद को हम चांद के बजाय चंदर कहके पुकारने लगे तो अल्लाह उसकी रोशनी तो कम नहीं कर देता। फिर एक इंसान का नाम चांद न होकर चंदर हो गया तो उसकी तरफ हमारा रवैया क्यों बदलने लगा? क्या वो इंसान नहीं रहा, हमारा मेहमान नहीं रहा? मेहमान, क्या खूब सिला दिया है उसने हमारी मेहमान नवाजी का। वाह, उस नमक हराम ने हमारे जज्बात से खेला, हमें धोखा दिया खान बाबा, हमारी हिना की जिंदगी बर्बाद कर डाली। नहीं, ये सच नहीं है अशरफ भाई। वो अगर चाहता तो वाकई तुम्हारी इस बहन की जिंदगी बर्बाद कर देता। सोचिए, कोई इसका क्या बिगाड़ लेता? वो अगर मेहंदी की रस्म पूरी कर लेता, मुझसे निकाह पढ़वा लेता और फिर चुपचाप रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता। हिना, हिना ठीक कह रही है अशरफ। चंदर चाहता तो ऐसा कर सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो एक शरीफ और नेक बच्चा है। ठीक है, यूं ही सही, पर अब उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। उसे कह दीजिए कि वो अपनी शराफत का टोकरा उठाकर यहाँ से चलता बने, दफा हो जाए हमारी जिंदगी से। ये इतना आसान नहीं है अशरफ जितना तुम समझते हो। वो यहाँ परदेसी है, अगर यहाँ वहां सवाल करते वक्त किसी को उस पर शक हुआ तो सीधा फंसेगा वो पुलिस के जाल में, और इससे हम सबको खतरा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो फिर क्या करेंगे खान बाबा? जिस तरह चुपचाप वो यहाँ पहुंचा था उसी तरह चुपचाप उसे उसके मुल्क भेजना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली है। कैसी तरकीब खान बाबा? हम लोग आज ही यहां से पड़ाव उठाकर सिकंदर गुल की तरफ रवाना हो जाएंगे, और अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हिना के ससुराल वालों की यह जिद थी कि उसकी शादी उन्हीं के गांव में हो। रास्ते में तुम और रजा चंदर को लेके अलग हो जाओगे और रात के अंधेरे में सरहद पार करवा दोगे। उस वक्त तक हम शहबाज खां के इलाके से निकल चुके होंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि चांद नाम का एक लड़का कभी हमारे बीच आया भी था। यानी क्या बाप, अपने कुनबे के लोगों को बेवक्त दर बदर करना चाहते हैं, इन्हें और खतरे में डालना चाहते हैं, यहाँ तक कि मुझे और रजाक को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं। बेटे, मेरा मतलब ये नहीं। माफ कीजिए खान बाबा, माफ कीजिए, मैं आपके इस मंसूबे में हरगिज़ हरगिज़ शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप जो करना चाहे करें। खुदा हाफिज़। अशरफ, अशरफ, बेटे इतनी जल्दबाजी मत करो। आप फिक्र ना करें खान बाबा, मेरे साथ कोई जाए ना जाए लेकिन चंदर भाई को सरहद पार मैं जरूर लेकर जाऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे रजाक भाई, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। जीते रहो। हाँ खान बाबा। शाबाश मेरे बच्चों। अच्छे से मुंह धोए कि नहीं दिखाओ, चलो जल्दी से दूध पी लो। लो, माफ करना, इतने दिन से मैं तुम्हें डांटती रही ना, कुछ आदत सी पड़ गई है। इतने दिन का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर आप अगर डांटोगी तो अच्छा ही करोगी। चंदर। हाँ, डांटो मुझे, सजा दो। कुसूरवार हूँ, गुनहगार हूँ तुम्हारा, पर इतना यकीन करना कि मैंने ये गुनाह जान के नहीं किया।
बस यूं समझो कि मैं एक तरह की बेखबरी में था, एक लंबी नींद में। और तुम्हारी उस नींद में ख्वाब मैंने देख डाला। कसूर तुम्हारा कहां हुआ चंदर? कसूर तो मेरा ही हुआ ना। अब ख्वाबों का क्या रोना, ख्वाब तो आखिर टूटते ही है। जिंदगी किसी ख्वाब का नहीं, हकीकत का नाम होता है। और तुम्हारी हकीकत का नाम है चांदनी, वो जो सरहद के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम अपनी चांद के पास पहुंच जाओगे, बहुत जल्द। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम? बहुत जरूरी बात है। आप बोलो अशरफ मियां, क्या कहने आए हो? इससे पहले कि मैं एक लफ्ज भी कहूं, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका कोई असर मेरे कुनबे पर नहीं होगा। आपको वादा करना होगा दारोगा साहब कि आप खान बाबा, हिना या मेरे कुनबे के किसी शख्स पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, वरना यह राज मेरे ही साथ मेरी कब्र में जाएगा। ये क्या बकवास है, जो बताना है उसे जल्दी बताओ। दीन खामोश, हम वादा करते हैं। दारोगा साहब, हिना की शादी टूट गई। मगर क्यों? वो लड़का हिंदुस्तानी है। खान बाबा, समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो कुछ हमने किया वो इंसानियत का तकाजा था। अब जाओ और देर न करो। खुदा हाफिज। अच्छा हिना, मैं चलता हूं। हाय, हिना से रुखसती कैसी? हिना तो तुम्हारे साथ जाएगी। हिना बेटी, तू ये क्या कह रही है? क्यों घबरा गए ना आप सब? हाय, चंदर वापस अपने वतन लौटकर शादी करने वाला है, तो क्या अपनी दुल्हन के हाथों पे हिना नहीं सजाएगा? ये लो हिना, मेरी तरफ से चांद पाजी के लिए शादी का तोहफा। जल्द खुदा सुनता।
ये बेनास चाह ये बेदाग नाते जहां में कहा लोग ऐसे निभाते तुम्हारी मोहब्बत भुला ना सकूंगा तुम्हारा ये एहसान चुका ना सकूंगा दिए जिंदगी के भाई हाँ? खुदा हाफिज अच्छा जमन हाँ शुक्रिया रजा खुदा हाफिज चलता आओ सीधी तरह कबूल कर लो कि दरअसल तुम एक बहुत ही मक्कार और खतरनाक जासूस हो। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तुम एक बहुत ही खतरनाक जासूस हो। खान बाबा हिना और उनके खानदान के तमाम फर्द तुम्हारे साथी हैं। वो सब के सब गद्दार हैं। नवाबदीन, हुजूर, जाओ और जाकर उस बुढ़े और उसकी बेटी को फौरन गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। नहीं, वो लोग बेकसूर हैं। उन पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए हमारे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरे तुम अब तक गए नहीं? नहीं, नहीं, तुम रुको।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पहले ही मेरी वजह से उन लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उन नेक बंदों पर और जुल्म मत कीजिए। देखिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहते दे दीजिए, भले ही मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन लेकिन उन्हें जाने दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा जी, तो फिर फौरन इस हलफनामे पर दस्तखत करके अपना इकबाले जुर्म कर लो। इकबाले जुर्म? यही कि तुम एक जासूस हो। लेकिन मैं चुपचाप दस्तखत करते हो या? ठीक है ठीक है, दस्तखत करता हूं। चंदर पुलिस की हिरासत में? ये कैसी मनहूस खबर लेकर आए हैं आप रजाक भाई? मगर रजाक ही हुआ कैसे? खान बाबा, शाहबाज खान को पहले हमारे इरादों की खबर हो चुकी थी। क्या? मगर कैसे? उन्हें अशरफ भाई ने बताया था चची। अशरफ? अशरफ भाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया खान बाबा। वो तो शुक्र कीजिए कि दरोगा साहब ने इनसे किए हुए वादे को निभाया और हम दोनों को रिहा कर दिया, वरना आज हम सब अपने वतन से गद्दारी करने के जुर्म में कैदखाने में पड़े होते। क्या मतलब? अशरफ भाई का शक सच साबित हुआ खान बाबा, चंदर वाकई में एक जासूस निकला। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो जमन? अरे सारी दुनिया कहे तभी मैं ये बात न मानू, कभी न मानू। चाची दिल तो हमारा भी नहीं मानता, मगर हम दोनों अभी अपनी आंखों से चंदर का दस्तखत किया हुआ हलफनामा और उससे बरामद किए हुए खुफिया नक्शे और कागजात भी देख कर आ रहे हैं। क्या? या मेरे मौला, किस दिल से मैं इस बात को मान लूं? खान बाबा, कब तक आप दिल की बात मानते रहेंगे? आखिर अल्लाह ने भी दिमाग को दिल से ऊपर का मकाम दिया है, तो फिर आप दिमाग की बात क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप? तुम ठीक कहते हो अशरफ। बाबा जान, चंदर जासूस नहीं हो सकता, इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, धोखा हुआ है इन्हें। धोखा तो हम सबको हुआ है बेटी, उस एहसान फरामोश को पहचानने में। बाबा जान? हाँ बेटी, उसने हमारी हमदर्दियों का वो सिरा दिया कि आज हमारा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया, फिर कभी उसका नाम अपनी जबान पर ना लाना। नहीं रुक जाइए बाबा जान, चंदर में कसूर है बाबा जान। चाची चाची आप समझाइए ना बाबा जान को, आप तो चंदर को अच्छी तरह जानती हैं। चाची चाची आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात क्यों नहीं मानते? चंदर बेकसूर है, चंदर जासूस नहीं हो सकता, चंदर बेकसूर है, मैं जानती हूँ चंदर बेकसूर है, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? या अल्लाह मैं क्या करूँ? अरे ये क्या है? घड़ी है। मुझे इसकी आदत नहीं है। चार आदत नहीं है तो डाल दीजिए, क्योंकि कल तुम्हें ठीक 5 बजे मेरे घर पहुँचना है। क्यों? पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? अरे वो सिर्फ वक्त पर आ जाइएगा हुजूर, मेहरबानी होगी। चांदनी तू यहाँ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही हूँ, अब चल बेटी, वो लड़के वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं जो सदियों से इंतजार कर रही हूँ किसी का, सलाम हवालदार साहब। तू यहाँ क्या करने आई है? चंदर प्रकाश से मिलना है। तुझे यहाँ क्यों मिलने आई है? चंदर प्रकाश से मिलवाने में मेरा क्या फायदा होगा ही ना बीबी? ये ले लीजिए हुजूर, चांदी का है। जल्दी जाने तो हुजूर आ जाएंगे। चाचा शुक्रिया हवालदार साहब। नवाब दीन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? डर लगता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे। झूठ? कैसा झूठ? जमाने भर से तो तुमने कह दिया कि तुम जासूस हो और उन्होंने मान भी लिया, पर मैं जो नहीं मानती उसका क्या? ना मानने की कोई वजह? मैंने हलफनामे पे खुद दस्तखत किया है, कबूल किया कि मैं एक जासूस हूं। ठीक है, फिर मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार और कह दो यही बात,
नहीं। हिना का इतना ख्याल है, उसका ख्याल क्यों नहीं करते जिसने तुम्हारे इंतजार में अपनी जान हरकान कर ली होगी। मैं मजबूर हूं हिना, अगर मैं इकबाल जुर्म ना करता तो शहबाज खान खान बाबा और तुम्हारे सारे कबीले को बर्बाद कर देता। नहीं, जिन लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है मैं उनकी बर्बादी की वजह नहीं हो सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और कोई रास्ता है भी नहीं। है चंदर, रास्ता है। ये लो, जल्दी से चांद बाजी के नाम चिट्ठी लिख दो, वो लोग यकीनन सरकारी महकमों के जरिए सारी बात साफ करा लेंगे। इंसाफ हो जाएगा चंदर, इंसाफ हो जाएगा। ऐसे क्या देखते हो चंदर? मैंने तो दुखों का पहाड़ तोड़ दिया तुम पर है ना, और तुम हो कि मेरा ही दुख तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मेरा संदेशा लेके जाओगी मेरी चांदनी के लिए? मेरी बिछुड़े का दर्द, मेरी दिल की पुकार खुद तुम पहुंचाओगी मेरी चांद तक? भाई, इतनी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त मांग कर आई हूँ और तुम होके बातें बनाने लग गए हो। चलो जल्दी चिट्ठी लिखो, लो ना, जल्दी करो, लो, अब लिखो ना, जल्दी करो, लिखो ना जल्दी।
मैंने उस चिट्ठी पर टिकट लगा दिया बेटी, बाहर इसे बक्से में डाल देना, शाम की डाक से रवाना हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चाचा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम दारोगा साहब। क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी वो लड़की जो खत डालकर गई है वो किस नाम और पते पर था? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से उस लिफाफे पर लिखा था। खत किसी चांदनी कॉल के नाम था और पता श्रीनगर का। हाँ श्रीनगर। देख बेटी, दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। तू अपनी छोटी बहन सुधा के बारे में सोच, अगर तू कुंवारी बैठी रहेगी तो उसकी शादी कैसे होगी? और फिर सुरेंद्र कोई अजनबी नहीं है, दरअसल हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए भी वो खुद चलकर तेरा हाथ मांगने आया, इसीलिए ना कि वो चंदर का सच्चा दोस्त है, वो तेरा दर्द समझता है। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया, अगर वही तेरा दर्द नहीं समझ सके तो कोई और क्या समझेगा? खन्ना साहब एक एक कप चाय और हो जाए। नहीं नहीं कॉल साहब, वैसे बहुत देर हो चुकी है अब तो। सुनिए, वो चांदनी कुछ कह रही है। हाँ हाँ कहो। वो सुरेंद्र से बात करना चाहती है। मैं ऐसा श्योर। हाँ चांदनी जी कहिए, मैं हाजिर हूँ। सुरेंद्र जी, आप चंदर के दोस्त हैं, इस नाते आप मेरे भी दोस्त हुए ना? जी जी हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने मन की बात आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना प्लीज। सुरेंद्र जी, आप इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हैं ना कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? बात अकेले आप ही की नहीं है, आपके माँ बाप, आपकी छोटी बहन, सब आपके दुख में दुखी हैं, सब यही चाहते हैं और मैं भी कि आप फिर से जी उठें, खिल उठें। आखिर जिंदगी का भी यही तो दस्तूर है कि आज को देखा जाए, आने वाले कल को देखा जाए और जो बीत चुका है उसे भुलाने की कोशिश की जाए। लेकिन चंदर मेरे लिए बीते हुए कल की बात नहीं है सुरेंद्र जी, वो तो मेरा वर्तमान भी है और भविष्य भी। मैं चंदर से प्यार करती थी, करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी, चाहे वो लौट कर आए या कभी ना आए। अब आप ही बताइए सुरेंद्र जी, इस सूरत में उससे बड़ा बेईमान और कौन होगा कि मैं प्यार तो किसी से करती रहूं और शादी किसी और से कर लूं? रही बात मेरे माँ बाप की तो ये तो कितनी स्वार्थ की बात होगी कि मैं उनका दुख दूर करने के लिए आपको, आपके सारे परिवार को अपने दुख के लपेट में ले लूं। इससे तो मुझे और भी दुख होगा कि ये चाहते हैं आप। हरगिज नहीं, ये मेरा मकसद नहीं था। जानती हूं, इसीलिए सुरेंद्र जी मैं जैसे भी हूं ठीक हूं। मेरे पास मेरे चंदर की यादों का खजाना है, उसके गम का सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए। देख लिया ना हमारा निशाना चन्ना? तो आपने मारा है इसे? उड़ते परिंदे मार गिराने में तो तुम्हारे इस गुलाम का वाकई कोई जवाब नहीं है चन्ना। हाँ,
बड़ी मर्दानगी का काम किया है आपने। इसे चलकर हल्दी चूना बांध लो, शायद बच जाए। शाहबाज खान की मार से बचना नामुमकिन है। गलत सोचते हैं आप दरोगा जी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। हाँ, किसी किताब में हमने भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन जिंदगी किताब नहीं होती चन्ना, वरना कोशिश तो तुमने उस जासूस को बचाने की बहुत की थी। क्यों? चंदर जासूस नहीं है दरोगा जी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उस कमबख्त ने इतनी मार खाई तब भी खामोश रहा, लेकिन जब उसे मैंने ये धमकी दी कि मैं तुम सबको वतन से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा, तो उसने तुम सबको बचाने के लिए हलफनामे पर दस्तखत करके अपने ही खिलाफ हमें सबूत दे दिए। जज्बाती निकला बेवकूफ। हाँ दरोगा जी, आपकी नजर में जज्बाती या बेवकूफ होना एक ही तो बात है। यकीनन चन्ना, अब देखना, उससे मिलेगी सजाए मौत और हमें मिलेगी तरक्की। देख लीजिएगा, चंदर की सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। अच्छा, मगर ये सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा कौन, तुम या चंदर का लिखा हुआ ये खत? खत? मेरे इलाके में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझी चन्ना? अगर तुम चंदर को वाकई बचाना चाहती हो तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। तरकीब? अपने बेवकूफ बाप से कहो कि अब वो खुद चलकर तुम्हारी शादी का पैगाम लेकर आए हमारे पास। क्या क्या आपने ये सब इस नाचीज के लिए किया? तुम तो वो चीज हो चन्ना, जिसे देखकर अच्छे भले इंसान का ईमान डगमगा जाए। मेरी बात गौर से सुनो, परसों चंदर की पेशी है, मैं उसके खिलाफ सबूत पेश करने के लिए अदालत से सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत और लूंगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर हम दोनों की शादी हो गई तो मैं शादी की रात बतौर मुंह दिखाई उसके खिलाफ सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा और चंदर बच जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ चन्ना, तो यकीन जानो मैं चंदर को फांसी के तख्ते पर लटका कर ही दम लूंगा। सोच लो चन्ना, अब चंदर की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। खुदा हाफिज। नहीं बेटी, ये मुझसे नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। बाबा जान। नहीं बेटी, तू चाहती कि मैं तुझे जीते जी जहन्नुम की आग में ढकेल कर मौत से बदतर जिंदगी के हवाले कर दूं। मुझ पे थोड़ा सा रहम खा बेटी, मैं तेरा बाप हूं, और एक बाप अपनी बेटी को शादी का मुबारक जोड़ा पहना के दुखदर करता है, मौत का कफन नहीं। तुझे खुदा रसूल का वास्ता बेटी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। ठीक है बाबा जान, अगर आपका ये फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर दरोगा साहब से आपने मेरी शादी ना कराई तो खुदा कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ भाई, आप क्या कर रहे हैं? बेगैरत बेहया लड़की, यानी बाप के जज्बात का एहसास ही नहीं, इसीलिए हमेशा इतना लाड प्यार दिया था। क्या आज तू मेरी जिंदगी का अजाब बन जाए? बस कीजिए खान भाई, बस कीजिए। पहले इस गरीब से ये तो पूछिए कि इसने यकायक उस उम्र दारोगा से शादी का फैसला किया क्यों? बेटी हिना, तू उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहती है जो तेरा कभी हो ही नहीं सकता, क्यों बेटी क्यों? चाची, चंदर ना कभी मेरा था और ना कभी होगा। मैंने तो खुद उसे हमेशा उसी लड़की के नाम से पुकारा जिसकी अमानत बनकर वो मेरी जिंदगी में आया था, और अमानत में खयानत करना अल्लाह की नजर में गुनाह है। चाची, अगर प्यार अल्लाह का बनाया हुआ सबसे अजीम जज्बा है तो फिर दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाना यकीनन सबसे बड़ा सवाब होगा। मरहबा बेटी, मरहबा। काश हर इंसान के सीने में हिना का दिल होता। नहीं नहीं, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगी थी, दुआ मांगी थी,
कि उसकी राह में तू फूल ही फूल बिखेर देगा, कांटे नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर यही है उसकी तकदीर का फैसला तो बदल दे फैसला, वरना या रहीम तेरे रहम से मेरा अकीदा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। बाबा जान, मेरी तकदीर का फैसला तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने मेरा नाम हिना रखा। क्या हुआ चाचे, आप लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं? ये तुमने ठीक नहीं किया अशरफ, सिर्फ एक बेबुनियाद शक के बिना पर एक मासूम इंसान को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तुम किसकी बात कर रही हो चाची, उस फरेबी चंदर की? हाँ, मैं चंदर की ही बात कर रही हूँ अशरफ, जिसे तूने शहबाज खान जैसे जल्लाद के हवाले कर दिया ताकि वो इस मौके का नाजायज फायदा उठाकर हम सबको अपनी मक्कारी के जाल में फांस सके। अगर दारोगा साहब चाहते तो हमें वाकई फांस सकते थे चाची, कानून के बेरहम जाल में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रज़ाक और ज़मन की रिहाई इस बात का सबूत है। वो तो सिर्फ उसकी एक चाल थी, धोखा था अशरफ, और ये बात किसी और ने नहीं, खुद शहबाज खान ने हिना को बताई है। चंदर ने हम सबको कानून से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, हमारे नमक का हक अदा किया उसने, और अब उसे रिहा करने की जो कीमत वो कमीना शहबाज खान मांग रहा है, तू सुनेगा तो तेरी रूह कांप उठेगी, तारीफ कलेजा भर जाएगा तेरा। कीमत? कैसी कीमत चाची? अशरफ,
चंदर की जिंदगी बचाने के लिए हिना को जलील दारोगा से शादी करनी पड़ेगी। क्या? क्यों अशरफ, तू तो जासूस पकड़वाने गया था ना? पकड़वा लिया जासूस? देख लिया अपने शक का अंजाम? अब तेरी की की सजा तेरी इस मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी। शहबाज खान जैसे जल्लाद से शादी करके उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जहन्नुम बन जाएगी अशरफ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिना बहन, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं जो गलती ना कर सकूं, लेकिन मेरी गलती की सजा तुझे मिलेगी। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि चंदर को उस मक्कार शहबाज खान की कैद से आजाद करवा के सरहद पार मैं करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। अरे ओ, गाड़ी का रास्ता क्यों रोक रखा है? बैल गाड़ी का पहिया निकल गया है शहबाज खान। खान बाबा, फिर गाड़ी उठाकर एक तरफ कर दो, हमें अदालत पहुंचने में देर हो रही है। अरे इतनी ही देर हो रही है तो अपने आदमियों को भेजो ना हमारी मदद के लिए। इतनी भारी बैलगाड़ी हम दोनों कैसे उठाएंगे भला? नवाबदीन, हुजूर, सिपाहियों से फौरन रास्ता साफ करवा दो। हुजूर, आओ सब लोग, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल। अरे तो ये रुक जा। नवाबदीन, हुजूर, तुम उस तरफ से पीछा करो, मैं इधर से पीछे आता हूँ। हुजूर। मुस्तफा जी, तुम इन दोनों को गिरफ्तार जी। हुजूर। जमन, ये लो चंदर, अपनी वास्कट मुझे दो। अरे वक्त नहीं है, वास्कट मुझे दो। हिना, तुम चंदर को लेके पीरा वाली टेकरी पर पहुंचो, हम पुलिस से पीछा छुड़ा के रात होने से पहले वहां पहुंचते हैं। जमन इस तरफ, रजाक इस तरफ, आओ। अशरफ, शुक्रिया। आओ जमन, जल्दी चलो। Thank you.
अशरफ, नवाबदीन, चंद्र प्रकाश हमें धोखा देकर भाग गया है। तुम हेडक्वार्टर से स्पेशल फोर्स बुलवाकर सारा इलाका छान मारने का हुक्म दे दो। हुजूर, चंद्र प्रकाश किसी भी सूरत में सरहद पार ना कर पाए। बहुत बेहतर हुजूर। हुजूर, वो दोनों सेक्टर फोर में ट्रॉली की तरफ जा रहे हैं। हेलो चार्ली, हेलो चार्ली, मैसेज। वो देखो चंद्र, जाकर गाड़ी लेकर आता हूं। नहीं चलो, तुम्हारी जान का खतरा है। और कोई चारा नहीं है ना, you
हेलो चार्ली, मैसेज। वो ट्रॉली पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ आ रहे हैं। चलो। यहां जोर से चिल्लाना मुनासिब नहीं है। खामोश। यही बदला चुकाया तुमने नेक और भोले भाले कबीले वालों की शराफत का। आज तुम्हारी वजह से खान बाबा गिरफ्तार कर लिए गए और तुम्हारी वजह से बेचारा अशरफ अपनी जान से गया। अशरफ भाईजान, जो हाल अशरफ का हुआ वही खान बाबा का होगा और वही हिना का भी। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि खान बाबा और हिना को छोड़ दिया जाएगा। अब भी मौका है चंद्रप्रकाश, अब भी मौका है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जो तबाही मेरी वजह से हुई है वो क्या कम है ना? नहीं बस अब और नहीं और नहीं। चंद्र, वो तुम्हें गोली मार देगा। अगर मेरी जान लेकर वो तुमको और खान बाबा को छोड़ देता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है ना? चंद्र, तुम समझते क्यों नहीं हो? उसका यकीन मत करो, वो बेईमान है, झूठ बोलता है। क्या पता इस बार वो सच ही बोल रहा हो, लेकिन तुम्हें और खान बाबा को बचाने के लिए ये एक कोशिश मैं जरूर करूंगा। छोड़ो मुझे ना। चंद्र, चंद्र मेरी बात सुनो। चंद्र रुक जाओ। चंद्र, चंद्र रुक जाओ। चंद्र रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हट जाओ हिना। वही रुक जाओ चंद्र प्रकाश। नहीं हिना, रुक जाओ जमाल खान। तुमसे गोली चलाने के लिए गलती हो गई हुजूर। अहमक कहीं का नामाकुल, फौरन अपने आदमियों से कहो कि रास्ता साफ करें। जी हुजूर।
शहबाज खान कहाँ है? जी वो अभी अभी इधर से निकल के गए हैं और उन फरारियों का पता लग गया हुजूर। क्या मतलब? उस जासूस के साथ कुछ और लोग भी हैं क्या? जी वो पास के कबीले की एक लड़की है, हिना। कौन हिना? हिना मेरी बेटी है हुजूर। आप इस वक्त रहमत के फरिश्ते बन के आए हैं, लल्ला उसकी मदद कीजिए। उसकी मासूम जान इस वक्त बेवजह खतरे में है हुजूर। बेवजह? जी हुजूर, वो बिल्कुल बेकसूर है। ओए अपनी बकवास बंद कर। हुजूर आप इसकी एक ना सुने, इन सब ने मिलकर उस जासूस को फरार करवाने की साजिश की है, इन सब ने मिलकर। क्यों बड़े मियां, आपकी बेटी एक जासूस की मदद कर रही है और आप उसे बेकसूर बता रहे हैं? चंदर जासूस नहीं है हुजूर, सिर्फ हालात का शिकार है, यही तो सारा खेला है। और ये सब फरेब उस मक्कार शहबाज खान का खड़ा किया हुआ है सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए। तुम्हारा मतलब है कि मुझे शहबाज खान के चुंगल से छुड़ाने के लिए तुमने उससे शादी करना कबूल कर लिया था और इसलिए खान बाबा और अशरफ ने मुझे फरार करवाया ताकि तुम्हें उससे शादी न करनी पड़े? तुम चुप क्यों हो? जवाब दो है ना। देखो मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे आजाद करना क्या इतना जरूरी था कि तुम अपने आप को जिंदगी भर के लिए उस कमीने के हवाले कर दो ताकि वो लगातार तुम्हारी बोझिया लोचता रहे? और तुमने सब कुछ किया मेरे लिए क्यों? जवाब दो है ना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता चंदर, तुम्हें खुदा का वास्ता है चंदर। अशरफ भाईजान की मौत जाया मत होने देना, पापा जान की दुआएं झूठी मत करना चंदर। हिना का पिस जाना तो उसकी किस्मत ही सही, पर उसके रंग का निखार तो तुम्हारे हाथों में है ना। हिना चंदर वादा करो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, अपनी चांदनी से जा मिलोगे। और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी चंदर, कभी नहीं। नहीं नहीं, भाभी सिपाही है, अब क्या करें? फिर तो बेहतर ये होगा कि रात होने तक यही इंतजार करें। मिस चांदनी कॉल श्रीनगर। ऑपरेटर, गिव मी द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस्लामाबाद। हेलो इकबाल। हाँ इकबाल, हमने दिल्ली एम्बेसी से चंद्र प्रकाश के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। यह सच है कि एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन से वो लापता है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस पर जासूसी का शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खान साहब, लगता है आपने जो कुछ बताया बिल्कुल सच है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं खुद मौके पर जा रहा हूँ। सारा मलबा हटा दिया गया है हुजूर, आप चाहें तो अंदर जा सकते हैं। हुजूर, पुलिस चौकी से आपके लिए कॉल है। हाँ नवाबदीन, बोलो क्या बात है। ओवर।
हुजूर बहुत बुरी खबर है, सुपरिंटेंडेंट साहब को सारी असलियत का पता चल गया हुजूर। उन्होंने सख्त हिदायत की है कि चंदन और हिना पर गोली ना चलाई जाए। हेलो हेलो हाँ नवाबदीन, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, समझ गए? ओवर एंड आउट। कितनी दुख की बात है ये, जिन हाथों पर मेहंदी सजनी चाहिए थी आज उन्हीं हाथों को मेरी वजह से खून से लाल होना पड़ा। चंदर, कोई देखे तो समझे कि हिना क्या चीज है, जिसे अपना रंग दूसरों पे लुटा देने में ही मजा आता है। साबित कर दिया तुमने हिना, साबित कर दिया कि सरहदें जमीनों को भले ही बांटती हूं दिलों को नहीं बांट सकती। बहुत खुश होगी चांद तुमसे मिलकर। हाय, चांद बाजी से तो मुझे मिलना है, जब तक मैं अपने हाथों से उनके हाथों में मेहंदी ना लगा लूं तब तक मेरा काम पूरा कहां होगा। चंदर ये इलाका शुरू होता है, हमारा वहां जाना मना है। खामोश! वो हरामजादा शाबाज खान को धोखा देकर जिंदा निकल जाएगा? नहीं। आओ। गोरे को चंदर, गोरे ही सरहद। फायरिंग शुरू हो गई है सर, आपकी पोस्ट पे फायरिंग हो रही है। राम सिंह सर, बैरक्स में जाकर चांदनी में सक ले आओ, हरे आप। जी सर। रुक जाओ शाबाज खान। है ना?
आओ चलो है ना, जल्दी है ना। नहीं, मुझे नहीं चल रहा था, बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं ना, ना तुमने ये सब क्यों किया, क्यों किया? मेरा वक्त आ गया चंदर। नहीं है ना, तुम मुझे यूं बीच रास्ते छोड़कर नहीं जा सकती है ना, नहीं जा सकते। हाँ बीच रास्ते का चंदर, तुम तो अपनी मंजिल तक आ पहुंचे और ना? मेरी मंजिल खुद चलकर मुझ तक आ गई। नहीं 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 ना, नहीं चंदर, चंदर जान बाजी को मेरा प्यार देना, उनसे उनसे कहना, उनसे माफी मांगना, उनसे कहना अगर हीना के बस में होता तो उनसे मिले बगैर कभी ना जाती। नहीं है ना, है ना? नहीं नहीं है ना, है ना, है ना? लाला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये सब कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो मुझे भी नहीं आया, ये सब क्या हो गया, क्यों हुआ ये ऐसा? इतनी सारी गोलियां इस नेक मासूम फरिश्ते जैसी लड़की के जिस्म में क्यों दाग दी गई, क्यों? किसकी थी ये गोलियां और वो गोली किसकी थी जिसने इस बेगुनाह की जान ले ली? हिंदुस्तान की गोली थी या पाकिस्तान की? नहीं, वो तो सिर्फ वहशियत की गोली थी जो इंसानियत के कलेजे में जा लगी। नफरत की गोली थी जिसने मोहब्बत को और शराफत को मिटा दिया, खत्म कर दिया। बड़ी शर्म की बात है ये, बड़ी शर्म की बात। मैं पूछता हूं इंसान गोली बनाता ही क्यों है? किसी न किसी की जान ही ले सकती है बस, किसी को जिंदगी तो नहीं दे सकती, तो फिर गोली क्यों बनाता है इंसान? अगर आज मुमकिन है कि इस धरती पर हम सब अमन से, चैन से, खुशी से जी सकते हैं, तो फिर क्यों तकलीफों का, जंग का चुनाव करता है इंसान, क्यों? बंद कीजिए ये दिलों को अलग करने का खेल, ये नफरत का, ये बारूद का, ये आग लगा कर तमाशा देखने का खेल बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। इस जाना तो उसकी किस्मत ही सही, पर उसके रंग का निखार तो तुम्हारे हाथों में है ना। Thank you.
खुश रंग ना खुश रंग ही ना गाने मैं